সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। बहुत ही खास तस्वीरें हैं जिसमें कि भारतीय वायुसेना का ये विमान वहाँ पे पहुँच चुका है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे इसकी भी व्यवस्था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जिसका जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले भी कर रहे थे और इसी एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ ही लम्हों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को लोकार्पित करेंगे, समर्पित करेंगे और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि इस एयर स्ट्रिप के जरिए अगर कोई विमान आपातकालीन स्थिति में अगर वहां लैंड करना चाहता है या फिर वहां से वो टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ वो ये कर सकता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही हेवी वजनी ये विमान हरक्यूलस विमान इस एयर स्ट्रिप पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पे उतरता हुआ आपने इन तस्वीरों में देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके जरिए ये तमाम तस्वीरें ये C-130 हरक्यूलस विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतर चुका है और अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे उन तस्वीरों में एक बहुत ही बेहतरीन एयर शो का भी यहां पे आयोजन किया जाएगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट मसलन सुखोई जैगुआर और मिराज जो है वो फ्लाई पास्ट करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखाएंगे जिसमें कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जहाज हैं मसलन सुखोई विमान जैगुआर मिराज ये तमाम वहां पे फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आएंगे। इसी लिहाज से इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहां पे इस एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एयर स्ट्रिप और आप इन तस्वीरों में बहुत ही ये शानदार दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीरें और आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण ये कि जुलाई 2018 और ये नवंबर 2021 का वर्ष सिर्फ 3 साल के बहुत ही कम वक्त में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साल 2018 जुलाई महीने में प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और आज वो इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए वहां पे अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं और ये जो एयर स्ट्रिप है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी कुल लंबाई 3.3 किलोमीटर की दूरी के लिए बनाया गया, विकसित किया गया ताकि यहां पे कोई विमान अगर लैंड करना चाहे या फिर यहां से टेक ऑफ करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मसलन IAF अगर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और SU-30 MKI विमान की बात की जाए तो इसके लिए भी आपातकालीन हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था की गई है और ये सारा उस प्रधानमंत्री के उस एक सपने का उस विजन को हकीकत में बदलने का ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और आप देखे भी होंगे अब से कुछ दिन पहले भी यहां पे अभ्यास के तौर पर वायुसेना के विमानों को यहां पे लैंड कराया गया था और आज इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के विमान C-130 हरक्यूलिस विमान आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पर बहुत ही स्मूथली इसने लैंड किया और फिर टेक ऑफ ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हों के बाद यहां पहुंचने वाले हैं और इस पूरे एक्सप्रेसवे को वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कहा जाए कि ये 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसे आने वाले दिनों में 8 लेन और उससे भी ज्यादा का विस्तार किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के आज से खुल जाने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी ये आप देख सकते हैं जो हमारे एयर वॉरियर्स वो यहां पहुंच चुके हैं। बहुत ही विहंगम तस्वीरें ये हमारे एयर वॉरियर्स अपने तमाम साजो सामान के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस डेडिकेटेड जो स्ट्रिप है एयर स्ट्रिप
उस पे वहां पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जो अब आप पूर्वांचल में गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो उसकी अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद से जो 6 घंटे का वक्त लगता था उसको अब महज 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो आप सिर्फ 3.5 घंटे में राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच पाएंगे। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होता हुआ गुजरेगा। मैं आपको बता दूं, गाजीपुर, उससे पहले मऊ, फिर आजमगढ़, फिर अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। तो ये तमाम जो जिले हैं जिनको कि ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। चूंकि इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एयरफोर्स के इस विमान को, मैं आपको कोई जानकारी दे दूं कि एयरफोर्स का अगर आकस्मिक इस्तेमाल के लिए अगर इसका यूज होता है तो उसके लिए 34 मीटर चौड़ी और 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एमरजेंसी यूज के लिए सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी है और लगभग 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अश्विनी नमस्कार, और सबसे पहले तो यही कि जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना का जो C-130 हरक्यूलिस विमान है वो लैंड किया और तमाम वो चीजों को हम देख पा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए कितनी खासियत है। आज पूर्वांचल को नया एक्सप्रेसवे मिल रहा है, साथ ही साथ आज पूर्वांचल को विकास का गेटवे मिल रहा है, पूर्वांचल के विकास का गेटवे खुल रहा है, गति और प्रगति का प्रवेश द्वार खुल रहा है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी सीमित घंटों में कम हो जा रही है, उसके अलावा दिल्ली तक की दूरी महज 10 घंटे में तय की जा सकेगी। इसके साथ साथ बेहतरीन पक्ष ये है, शानदार पक्ष ये है, 3.2 किलोमीटर लंबा सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत क्षेत्र में पूरे भारत में सटा हुआ क्षेत्र है, निहायत पिछड़ा क्षेत्र, निहायत उपेक्षित क्षेत्र, पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र बेहद उपेक्षित है। जहाँ पर ये स्पेशल एयर स्ट्रिप इस पर बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, आपातकालीन स्थितियों में या फिर रणनीतिक जरूरतों के मुताबिक या फिर राष्ट्र की गौरव के लिए जब भी जिस तरीके से हमारे रणमाकुरों ने अपने प्रदर्शन किए हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है यहाँ पे हमारी पूर्वी सीमा की चुनौतियों को भी बखूबी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। बगल के यहाँ के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, उनकी सीमाएं और उसके आगे जो उनकी सीमाएं, आप ये समझ सकेंगे कि अगर पूर्वांचल का इतना ये क्षेत्र सुल्तानपुर अब तक बहुत सारी विशिष्ट था, व्याख्यायिक था, राजनीतिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। जहाँ पर इसका उद्घाटन कर चुके हैं